हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सर्वजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे कार्बोक्सैलिक एसिड डेरिवेटिव। सो व्हाट आर दी कार्बोक्सैलिक एसिड एंड दे डेरिवेटिव? आपको स्टूडेंट पता है कि हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सैलिक एसिड, ये वाला जो ग्रुप है। तो अब हमने इसके डेरिवेटिव पढ़ने हैं कि जो इससे बने होते हैं कंपाउंड। तो जो इससे बने होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये एक जर्नल कार्बोक्सैलिक एसिड का जो है फार्मूला है। अगर हम यहाँ पे ये वाला ओ एच यहाँ से उतरेगा बाय सम सूटेबल रिएक्शन दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोस, तो हमारे पास जो तरह तरह के जो एसिड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एल। दैट मीन टू से कि ये ओ एच की रिप्लेसमेंट होती है यहाँ से बाय सम मैकेनिज्म, तो यहाँ पे ये सी एल लग जाता है। सो दिस इज कॉल्ड हेयर एसिड क्लोराइड। दूसरा है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, हेयर इज ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड हेयर इज आर। इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड हेयर एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे ओ एच जो है वो लीव यहाँ से उतरेगा और ये वाला नया ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड अमाइड। ये क्या है? एसिड अमाइड। एंड वन ऑफ देम इज दी एस्टर, दिस वन। दैट मीन टू से कि ये सारे के सारे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड एंड एस्टर, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस एसिड विच द पेरेंट एसिड। दैट मीन टू से कि ये सारे के सारे जो हैं ड्राइव हुए हैं इस कार्बोक्सैलिक एसिड से। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ दी दीज आर कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ दिस कार्बोक्सैलिक एसिड। अगर मैं इनकी जनरल एग्जाम्पल जो जनरल केस के बाद एग्जाम्पल दूँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है? सी एच थ्री सी ओ सी एल। इसी तरह से सी सिक्स एच फाइव एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एल। दिस इज कॉल्ड हेयर एसीटोनाइल क्लोराइड और ये कौन सा है? बेंजोइल क्लोराइड। इसके बाद अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बताऊं तो ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला। दिस इज कॉल्ड हेयर एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, हेयर इज एन एच टू, दिस इज कॉल्ड हेयर एसिटामाइड। और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव, ये क्या है हमारे पास? इथाइल एसीटेट। और ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये हमारे पास क्या है? दिस इज कॉल्ड हेयर एसीटोनाइल क्लोराइड और ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। नाउ हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन आ गई कि यहाँ पे ये जो ये वाला ये सी एल, ये पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप है, और इसी तरह से यहाँ पे एन एच टू, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो आगे लग रहा है। अगर ये जो मैंने सर्कल किए हैं तो ये जो वो ग्रुप है जो कार्बोक्सैलिक एसिड के साथ आके बाहर से अटैच हुआ है। सो लेट्स सी कि अगर मैं जनरली इसको ऐसा लिख लूँ कि ये सारे के सारे जो हैं आर, और यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला ये सी एल, ये वाला एसीटेट, ये एन एच टू, ये ओ सी टू एच फाइव। अज्यूम दैट कि ये कोई वाई एक ग्रुप है। Y स्टैंड फॉर दी सी एल, दिस एसीटेट, दिस एन एच टू एंड ओ सी टू एच फाइव। तो यहाँ पे ये इसका हमने जनरल फार्मूला ढूंढ लिया कि ये जो फार्मूला है वो किसका है? एसिड डेरिवेटिव का। अगर ये एसिड डेरिवेटिव है तो दैट मीन टू से कि अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये तो पहले हमारे पास आ गया कि ये वाले जो हैं एसिड डेरिवेटिव हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ कि स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारा टॉपिक आ जाता है कि स्ट्रक्चर क्या होगी एसिड डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे ये जो वाई है, वाई मीन टू से ये ग्रुप सी एल
और ये NH2 और ये एसीटेट और यहाँ पे OC2H5, इसके ऊपर भी तो यहाँ पे लोन पेयर होंगे। यहाँ पे देखें क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इसी तरह से इस ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, NH2 के ऊपर भी लोन पेयर होते हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर भी होंगे। तो मैंने वाई के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर शो कर दिए। तो ये वाई जो है वो ग्रुप है जो डिस्टिंक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स को। और अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो लेट सी हियर दैट, अगर कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सिग्मा बॉन्ड है इसमें से ये पाई है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विदड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विदड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट कर देंगे। सो देयर फोर इफ वी टॉक अबाउट दैट वी विल वी कैन राइट हेयर हेयर इज आर सी ओ नेगेटिव, और यहाँ पे ये वाला जो है वाई इस तरह से आके लग जाएगा, और वाई के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस वाली जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट ऐसी डेरिवेटिव की, वो कुछ ऐसी एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ पे आर, ये सी, ये ओ और यहाँ पे ये वाई, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, और इस ऑक्सीजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसी तरह से इसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाला। अगर तो ये वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएं, ये वाले, तो ये वाले जब दोनों कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो ये बॉन्ड सिग्मा है, तो ये दोनों के ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तब तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही थी। यहां पे ये देखिए बॉन्ड सिग्मा है और ये कौन सा है? पाई। और अगर दूसरा ये वाला ओवरलैप कर जाए, उस केस में क्या होगा कि ये आर सी, यहाँ पे ओ, ये यहाँ पे वाई है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने एस एच बना दिया, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल भी एस एच बना दिया, और ये वाई का एटॉमिक ऑर्बिटल, देन ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से शेयर करेंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर करेंगे तो तब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। तो जब ये वाली हम ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं तब ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली। अगर ये वाली स्ट्रक्चर को शो करता हूँ तो फिर हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है जो मैंने ऊपर बनाई थी। सो दैट मीन टू से कि यहाँ पे एक डिस्कशन जरूरी है कि ये जो कार्बन है वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितनी है? sp2। तो ये जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे sp2 है। तो और ये जो है इसी तरह से ये कार्बन भी हमारे पास sp2 होगी। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये वाली कार्बन है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एंड देयर स्ट्रक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।